कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक एफिशिएंट आयरन फार्म माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कैसे बनाते हैं। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आपको कुछ ये मेरा हॉट बार में जितना सब कुछ है वो सब इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ सकता है क्या पड़ेगा एक एफिशिएंट आयरन फार्म बनाने के लिए। सो आप फिर आपको यहाँ पे एक डीप ओशन ढूंढ लेना है, जैसे कि कोई आयरन गोलम किसी भी लैंड पे इधर उधर स्पॉन ना हो, और लैंड पे बनाने से अच्छा कि आप ओशन में ही बना दें। सो आपको फिर कुछ इस प्रकार से ओके गाइस, ये देखो जैसे आपको फिर 14x15 का एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना लेना है। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को प्लेटफॉर्म बना लेना है। उसके बाद चारों कोनों पे दो दो ब्लॉक का हाइट, दो दो ब्लॉक लेके दो दो ब्लॉक का एक वॉल बना लेना है। फिर कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इसके आगे एक एक ब्लॉक लगाना है, जिससे कि यहाँ पे आप लोग पानी डाल सके और पानी कुछ वहाँ उस ब्लॉक तक जा सके। सो इसको चारों तरफ से ऐसे भर लेना है पानी, और ये पानी पूरा नहीं भरेगा, आई नो, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। ये देखो अब हमारा बचा ये तीन ब्लॉक। सो ये तीन ब्लॉक पे इस प्रकार से पान ब्लॉक रख के, मतलब ऐसे कॉबल स्टोन रख के ऐसे भर लेना है। फिर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जगह बचेगा। अब फिर यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक चेम्बर बनाना पड़ेगा। सो ओके गाइज, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे 4 ब्लॉक्स डीप एक चेम्बर बनाना है, और यहाँ पे आके कुछ इस जगह पे होल कर देना है, जिससे कि आप यहाँ पे चेस्ट लगा सकें। सो ये हो गया है, अब आप बाहर जाके इस पे चेस्ट लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक चेस्ट और यहाँ पे चेस्ट, ये लगने के बाद फिर आप सभी लोगों को इस साइड आ जाना है, और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे करके कुछ ये हॉपर्स एक दूसरे से कनेक्ट करके वो चेस्ट में कनेक्ट करके लगा देना है कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, ये लगने के बाद फिर आपको एक साइड पे ये वाटर डाल देना है, और यहाँ पे ऊपर में साइन बोर्ड्स लगा देना है। ये लगाने के बाद उसको फिर आपको एक साइड से ऐसे, ये तो ये सेंटर में एक साइड से ऐसे लावा डाल देना है, जिससे कि ये चारों तरफ फैल जाए ऐसे, इस साइड से और इस साइड से ऐसे डाल देना है, और ये लावा एक दूसरे के साथ मिलके फैल जाएगा। सो ये अपना रेडी है, और उसके बाद आप सभी लोगों को इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऊपर वाले एरिया को लीव से ढक देना है। तो उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को लीव से भरने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग उनको कुछ 3x10 का एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और इसको पूरा कवर कर देना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज़ को चारों तरफ से ग्लास से,
कुछ इस तरीके से। और उसके बाद कार्टोग्राफी टेबल लेना, मैंने कार्टोग्राफी टेबल लिया है, और आप फ्लेचिंग टेबल भी ले सकते हैं, वो इजीएस्ट होता है बनाने के लिए। उसके बाद इस कार्टोग्राफी टेबल को 20 कार्टोग्राफी टेबल अपने को लगेगा, सो उसको साइड में चारों तरफ लगा देना है, और याद से विलेजर्स अभी नहीं लाने हैं। सो यहाँ पे 20 कार्टोग्राफी टेबल लगा लेते हैं पहले। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 कार्टोग्राफी टेबल लग चुका है, और इस चीज़ को ग्लास से कवर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ब्लॉक के हाइट पे कुछ इस तरीके से, या फिर 3 ब्लॉक के हाइट पे आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। उसके बाद इसके ऊपर 20 बेड्स लगाना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को केयरफुली तोड़ देना है, जिससे कि ऊपर वाला बेड ना टूटे। सो कुछ इस प्रकार से तोड़ने के बाद, उसके बाद आप लोगों को, आप जहाँ पे विलेजर्स को ब्रीड कराए हो, 20 विलेजर्स लेके आना है। मैं अभी स्पॉन एग यूज़ कर रहा हूँ, बट आप सर्वाइवल वर्ल्ड में आप सभी लोग 20 विलेजर्स को ला सकते हो। सो कुछ इस प्रकार से हम लोग को स्पॉन कराना है, और वो ग्रीन वाले विलेजर्स नहीं होने चाहिए और बेबी विलेजर्स नहीं होने चाहिए। सो ये हाँ, शुरू हुआ अपना विलेजर्स हंट, और आप सभी लोगों को देखना है कि जैसे ये इस प्रकार से बेड ले ले, और इस प्रकार से अपना जॉब ले ले, और इसी प्रकार से 20 विलेजर्स अपने को स्पॉन करना है। और ये देखो, ये आ गया, इसको हमें नहीं कराना है। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से आपको 20 विलेजर्स स्पॉन करा लेना है, और ले आने हैं मतलब। उसके बाद आपको लीव से चारों तरफ घेर लेना है कुछ इस तरीके से। पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा और एक यहाँ लगाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। और हाँ गाइस, आपको विलेज से बहुत दूर रहना है। अगर विलेज के पास रहे तो विलेज पे ही आयरन गोलम स्पॉन हो जाएंगे। जल्द से जल्द इसे ऐसे कवर कर लेना है। सो लेट्स वेट और देखते हैं ये कब तक स्पॉन होंगे। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो एक आके मारना भी शुरू हो गया है, और ये बहुत एफिशिएंट फार्म है, और ये 100% काम करेगा। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग इसमें अपने बिल्लियों को बचा नहीं सकते, सो सॉरी फॉर दैट गाइस, बट ये 100% एफिशिएंट फार्म है। अब लेट्स वेट, अब दूसरा कब तक स्पॉन होगा देखते हैं। ये देखो, ये देखो आपके सामने खुद ब खुद स्पॉन हुआ ये। लेट्स गो, और दो तीन स्पॉन होने दो, उसके बाद देखते हैं कितना हुआ। Oh.
ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं इतना सारा स्पॉन हो रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अब देखते हैं अपने पास कितना आयरन आ चुका है। इसमें तो है ही नहीं, वेट व्हाट, एक काम करते हैं यहाँ पे पानी के जगह ग्लास लगा देते हैं जिससे कि ये खुले। कुछ प्रॉब्लम हुआ है गाइस, लेट मी चेक उसके बाद में आप। सो ओके गाइस, कुछ ग्लिच के कारण नहीं आया था, बट ये देखो ये अपना आयरन आ चुका है, ये देखो अपने आप ही फुल हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे आया जा रहा है और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था बट समथिंग ग्लिच हो गया था। सो ये वर्क एफिशेंटली कर रहा है। सो ओके गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आल्सो बताना आपको क्या क्या फार्म्स आपको बनाने हैं, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो लाने वाला हूँ। और हाँ, मैंने एक सर्वाइवल सीरीज़ भी शुरू किया है और आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।